हाय गाइस, आज हम देखेंगे ग्रोफर्स एमपी चक्की फ्रेश आटा का रिव्यू। ये ग्रोफर का इंटरनल ब्रांड है, मदर्स चॉइस उसका आटा है। और एमपी का जो गेहूं होता है ना, वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है। एमपी में ना दो तरह के गेहूं बहुत फेमस हैं, शरबती और लोकवान। तो ये उन दोनों गेहूं को मिला के बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं पैक के पीछे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे दी हुई है इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन कि हर 100 ग्राम के आटा में आपको 353 कैलोरीज मिलेंगी, जिसमें कि 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, बाकी प्रोटीन और फैट्स है। तो ये 10 केजी का जो पैक है उसकी एमआरपी है 350 रुपीज़, लेकिन हमको पड़ेगा ये 288 रुपीज़ का। मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये जो शरबती और लोकवान आटा होता है ना, इसका एक मेन क्वालिटी है कि इसकी जो रोटी बनती है ना, वो थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। बाकी उसकी तरह एकदम रबड़ की तरह खिंचने वाली टाइप्स नहीं होती है। आटा छूने में मुझे थोड़ा थोड़ा दरदरा जैसा होता है ना, वैसा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब पैक के ऊपर लिखा हुआ था कि ओपन करने के बाद आप इसको 3 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें। 3 महीने के अंदर हमें इसको यूज़ करना है। तो हम नॉर्मली एक कंटेनर में निकाल के पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब आता है मेन चीज़, इस आटे को गूंदने में कैसा आपको फील होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, आटा गूंदने में बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। आप आराम से इसको लगा पाएंगे और आपके हाथ में बिल्कुल भी आटा नहीं चिपकेगा। आटा गूंदना ना मुझे सबसे ज़्यादा आफत का काम लगता था, बट इसके साथ में बहुत इजी। आप देखिए, आपके हाथ भी बिल्कुल साफ और जिसमें आपने गूंदा है वो थाली और बर्तन भी बिल्कुल साफ रहेगा। मैंने इसको ना तीनों तरह में यूज़ किया था। मैंने इसकी रोटी भी बनाई, पराठा भी बनाया और पूड़ी भी बनाया। तो रोटी जो बनाई थी ना, रोटी बनने में थोड़ी क्रिस्पी है। नॉर्मल हम किसी और ब्रांड का आटा लेंगे ना, तो वो उतना क्रिस्पी नहीं होती, वो रोटी थोड़ी खिंचती है। तो ये ना एमपी के जो शरबती गेहूँ है ना, उसकी क्वालिटी है कि आपकी जो रोटी बनेगी वो थोड़ी क्रिस्पी रहेगी। तो हम इसमें घी लगाएंगे। अब घी लगाने के बाद मैं जस्ट आपको एक बार इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये कैसी है। उतनी खिंची खिंची डो नहीं है। देखिए, अब इसे हम करेंगे ना, ओपन करेंगे तो इसमें आपको देखेगा टूट गई है रोटी। एक्चुअल में टूटनी ही चाहिए। अगर रोटी नहीं टूट रही है तो इसका मतलब उसमें मैदा का कंटेंट है। तो ये क्वालिटी ऑफ ग्रेन जो है वो अच्छा है। पराठा भी बनाया मैंने, पराठा भी इसका सेम वैसे ही टूटने वाला टाइप से आराम से टूटेगा। वैसा नहीं है कि स्टिकी स्टिकी आटा खींचोगे आप रबड़ की तरह। और मैंने ना इसको ऑफिस में ले जाके सुबह बना के शाम को भी खा के देखा है, तो भी टेस्ट अच्छा है। पूड़ी में भी बढ़िया है, एकदम फूली फूली पूड़ियाँ बनती हैं। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।